मणि की तरह देखो, बाहर नहीं आना। अब आप खुद को यूं हलकान ना करें, अंदर चलें। तू होंदी कौन है बेटा, ख्याल रखना ली रशीद आम ना देखो वध करने में डले। माजरत माजरत, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज और जिम्मेदारी है। जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी ना, आप अपनी मनमानी कर लीजिएगा। अभी देखिए सर्दी कितनी है, आपको हवा लग जाएगी, अंदर चले। रशीदा जी बेटी, क्या करूं, दिल को किसी वेल चैर नहीं आता। हर पल माही का ख्याल काटता है मेरे दिल को। क्यों रो रो कर अपनी जान को हलकान कर रही हो? चंद ही दिन की तो बात है, जिस तरह बाकी दिन गुजर गए ये एक डेढ़ महीना भी गुजर जाएगा, फिर मैं नाजिम को भेजूंगा कि अपनी बहन को जाकर वापस ले आए। माँ का दिल है ना, सदा बदगुमान ही रहेगा, बस उसे जहरीले नागों की तरह काट काट कर अपना जहर मेरे वजूद में भरते रहते। ये जहर बदगुमानी बन के फैलता है मेरी रगों में। बहुत देर हो चुकी, उसने आना होता तो कब का आ चुका होता। अब वो नहीं आएगा। नहीं, मैं सिकंदर साईं का थोड़ी इंतजार कर रही थी। अकलमंदी इसी में है कि तुम उसका इंतजार करना छोड़ दो। मैंने कहा था ना, ऊंची फसील की हवेली वालों के दिल बहुत छोटे होते हैं। वो तुम्हें यहां से कभी लेकर नहीं जाएगा। कह रहे थे कि उनकी कोई मजबूरी है। मर्द और मजबूर, मर्द सिर्फ तब मजबूर होता है जब उसे उसकी जरूरत होती है। वहां मजबूरी उसका सबसे उम्दा हथियार होता है। मेरी मानो तो अब भी तुम अपनी दुनिया में वापस लौटा। जिस शख्स के लिए तुम अपनी दुनिया त्यागने चली थी वो तो दो कदम भी तुम्हारे साथ नहीं चल सका, और ऐसे शख्स के लिए खुद को तबाह करने का फायदा? चार दिन गम मना लो, फिर अपनी सुरीली आवाज का जादू जगाओ, देखो कैसे हजारों परवाने उठते चले आएंगे। तमाशबीन आज भी तुम्हारी सुरीली आवाज का जादू नहीं भूले। मेरा दिल कहता है कि सिकंदर साईं ऐसे नहीं है, उन्होंने तो मुझसे कोई वादा भी नहीं किया। चंदा जी, वो तो मैं ही पागल झल्ली हूं जो मन में ऐसे ख्वाब सजाए बैठी है। जितना दिल बहलाना है बहला लो, मगर सच तो वो है जो वो तुम्हारे मुंह पे बोल के गया था। खैर, जब दिल बहल जाए तो आ जाना, लड़कियां तुम्हारा पूछ रही थी।
अस्सलाम वालेकुम सिकंदर भाई। वालेकुम सलाम। यहाँ अकेले क्यों खड़ी हुई हो? माई कहाँ? वो आंटी के कमरे में है, मैं आप ही का इंतज़ार कर रही थी। मेरा इंतज़ार कर रही थी? कोई ख़ास बात है? किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बता। नहीं नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, बस मैं कल जाने वाली थी तो मैंने सोचा कि जाने से पहले आपसे एक ज़रूरी बात कर लूँ। हाँ करो। वो असल में जब से मैं इस हवेली में आई हूँ देख रही हूँ कि माही के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा। ये शिकायत माही ने की है खुद तुमसे? नहीं, वो तो शायद शिकायत करना ही भूल गई है, लेकिन मैं खुद देख सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। बल्कि कोई भी अगर तीसरा बंदा आएगा इस हवेली में और यहाँ का माहौल देखेगा उसे समझ आ जाएगी, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। रेदा, तुम क्या फजूल बातें कर रही हो? सिकंदर भाई, आपको इसकी किसी बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये पागल है। माई माई ठीक कह रही है ये, मैं खुद ये सब देख के बहुत कुड़ता हूँ, लेकिन सामने जो रिश्ता आ जाता है उसके आगे मैं खामोश पड़ जाता हूँ। वो सब तो ठीक है सिकंदर भाई, लेकिन इस सब में इस बेचारी की क्या गलती है? वो तो खुद उजड़ चुकी है, उससे इंतकाम लेके भला किसी को क्या फायदा होगा? रिदा, बस करो। सिकंदर भाई, मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, मैं आपको बोल रही हूँ। हमारे साथ नहीं थी ऐसी, सारी जिंदगी हमने उनके वजूद से सिर्फ मोहब्बत की छांव ही पाई है। वैसे तैमूर के गम में वो घुल घुल के तलख हो चुकी हैं। मैं समझती हूँ उनका गम बहुत बड़ा है, हम तीनों मिलके भी सोच नहीं सकते हैं कि उनके ऊपर इस वक्त क्या गुजर रही होगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो इस बेचारी को इतनी ज़्यादा अजियत से गुजारें। ये इतनी नाजुक सी लड़की है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये अब तक कोलैप्स कैसे नहीं हो रही है। नहीं, बोलने दो मुझे, ये कैसे सबका सामना करेगी, इतनी हिम्मत कहाँ से लाएगी ये? रिदा, बस करो, आप इसकी कोई भी बात माँ जी को मत बताइएगा, वो वैसे ही बहुत स्ट्रेस में है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनको कोई भी मजीद परेशानी मिले, प्लीज। मैं बात तो मैं करूँगा, बस तुम अपना दिल मत खराब करो। जब आप उनसे बात करेंगे तो उनसे ये जरूर पूछिएगा कि इसका कसूर क्या है। सिर्फ ये दो दिन के रिश्ते के बदले इसने इस हवेली पे अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। लोग सालों पुराना रिश्ता नहीं निभा सकते हैं, और इसने चंद घंटों के रिश्ते के लिए खुद को वक्फ कर लिया सिर्फ इसलिए ताकि आप और आंटी इस गम के अंदर अकेले ना हो, और इसलिए ताकि इस हवेली की इज्जत को ठेस ना पहुंचे। लेकिन इस सब के बदले से क्या मिला? तंज, ताने, धुतकार, क्या यही सिला होता है बेगर्ज मोहब्बत करने का? मैं जानता हूं माया ने तकमर से मैं जो हवेली के लिए किया है वो शायद और कोई और ना कर सके। पता नहीं अम्मा साइन को ये सब कुछ नजर क्यों नहीं आता। मैं शर्मिंदा हूं उससे। मैं सिर्फ ये चाहती हूं कि कोई इसकी कुर्बानियों का एतराफ करे या ना करे, लेकिन जिस दर्जे की ये हकदार है वो इसको मिलना चाहिए। जब तक माही इस हवेली में है इसको कम से कम बहू तो मान लिया जाए ना। क्या जरूरत है ये सब कुछ कहने की? जब जब मुझे कुछ शिकायत है ही नहीं इन लोगों से, तो तुम्हें क्या जरूरत थी मेरी वकालत करने की? सिकंदर भाई ने जाने क्या सोच रहे होंगे कि शायद मैंने तुम्हें वहां भेजा ये सब कुछ कहने के लिए। मां
भाई मैंने कुछ गलत नहीं किया। सिकंदर भाई देख रहे हैं कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, उन्हें अच्छी तरह से अंदाजा है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? इस हवेली के लोगों के साथ पहले क्या कुछ कम हुआ है जो तुम भी अब? भाई क्या हो गया यार? I didn't mean it like that. तुमने अच्छा नहीं किया, इससे ज़्यादा तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। कि देखो यार, मैं अपने कान पकड़ रही हूँ, प्लीज माफ कर दो माही, आइंदा नहीं करूंगी, प्रॉमिस। मेरी जिंदगी में क्या कम अजाब है जो तुम मेरी जिंदगी और मुश्किल बना रही हो? तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो रिदा, मुझे सबसे ज्यादा जानती हो। कैसे? अच्छा मामा सॉरी ना, बंद करो रोना यार प्लीज, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती यार। मैंने कल चले जाना है, फिर तुम क्या मुझे रुला के रुखसत करोगी? प्लीज यार रोना बंद करो, वरना मुझे भी रोना आ जाएगा। आई एम सॉरी माही, आई एम सॉरी।